भारत और ऑस्ट्रेलिया का पहला टेस्ट सीरीज का पहला दिन भारत ने आखिरकार एक सम्मानजनक पर लाकर खत्म किया। भारत ने पहले दिन खत्म होते होते 250 रन बना दिए, लेकिन इस लक्ष्य को भी हासिल करने के लिए भारत ने अपने 9 विकेट गवा दिए। भारत की तरफ से चेतेश्वर पुजारा ही एक ऐसे बल्लेबाज निकले जिन्होंने 250 रनों में से 123 रनों की पारी खेली। बाकी सारे बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने घुटने टेक गए। पुजारा ने 246 गेंदों का सामना करते हुए 7 चौके और 2 छक्के लगाए, लेकिन दिन की आखिरी गेंद पर भी रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। भारत के पास अब 2 बल्लेबाज बचे हैं जिनका खेलना अभी बाकी है। मैदान पर आखिर तक जहां शमी 6 रन बना के खेल रहे थे, वहीं जसप्रीत बुमराह का क्रीज पर आना अभी बाकी है। चेतेश्वर पुजारा के अलावा भारतीय खेमे से रोहित शर्मा ने अच्छी बल्लेबाजी की। 5वें विकेट के लिए पुजार और रोहित ने मिलकर 45 रन जोड़े। एक छोर पर पुजारा जहां डट कर खेल रहे थे, वहीं दूसरी ओर रोहित आक्रामक लग रहे थे। रोहित शर्मा ने पेंट कमिंस को 2 छक्के लगाए। वहीं 38 ओवर में नाथन लायन के दूसरे गेंद पर रोहित ने छक्का जड़ा जो मार्कस हैरिस के हाथ में था, लेकिन वो बाउंड्री को पार कर चुके थे, लिहाजा अंपायर ने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। लेकिन अगले ही गेंद पर फिर से लंबा शॉट मारने के चक्कर में रोहित ने टीम को कैच दे दी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से लव कुमार की रिपोर्ट।